हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स योर ट्रेल विद डीसी विद हिज न्यू व्लॉग। सो यस, आज का व्लॉग है हेलमेट सेटअप के बारे में, हेलमेट व्लॉगिंग सेटअप के बारे में। मेरा हेलमेट था ड्यूअल फेस हेलमेट, जो लाइक क्लिप करके खोल भी सकते हैं और फुल फेस भी हो सकता है। तो मुझे उसमें बहुत सारे जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे, कैसे मैं मेरा माउंटिंग, कैमरा का माउंटिंग आगे लगाऊं। इसका भी मैंने एक ब्लॉगिंग सेटअप वीडियो बनाया था कि एडवेंचर हेलमेट है तो कैसे लगा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास ऐसे ड्यूअल फेस हेलमेट हो तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब ये कैसे ओपन होगा, क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, वायरिंग कैसे करना चाहिए। हम लोग ने माइक सेटअप तो कर दिया, ये रहा हमारा माइक का वायर। अगर हेलमेट का ये फेस इतना ऊपर चले क्योंकि कैमरा इधर चला जाएगा तो ये माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वायर इनफ है उधर। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग लाए वो ये है एमसिल। सो यस, एमसिल से क्या होता है, आपको एक ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, आपको सेफ्टीनेस मिल जाती है, आपका जो कैमरा माउंटिंग है वो अच्छे से फिट हो जाता है इसके अंदर। सो यस, एक और चीज़ है इस हेलमेट में और वो है एक्शन प्रो का कैमरा माउंटिंग। आप ऐसे घर में भी बना सकते हो अगर वो जो किट आती है, जो गोप्रो की किट आती है उसमें से लेके। बट यस, मैंने ये मंगाया, मुझे अराउंड 230 रुपीज़ में पड़ा है। सो इससे होता क्या है कि इससे मैं मेरे कैमरा पे वो चीज़ फिट कर दूंगा और फिट करने के बाद ये चीज़ मैं साइड में लगा दूंगा तो ये ऐसे कुछ कैमरा के आगे ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग फटाफट से कैमरा पे माउंटिंग चालू करते हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप DM में या फिर कमेंट में बता ही सकते हो। गाइस, एक और टिप, अगर आपने हेलमेट पे माइक पहले से ऐसे फिट कर दिया है तो इनफ वायर बार रखो पहले देखने के लिए कि ये ओपन फेस जब होता है तो आपका वायर उधर तक जाता है कि नहीं, इतना ध्यान में रखो। बिकॉज जब आप फिट कर दोगे तो फिर आपको वापस से खोलना पड़ेगा, अगर आपका इनफ वायर जाता है फिर उतना वायर वापस अंदर डाल दो, आपका काम हो गया। सो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एमसिल और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मेरे रूम में पड़ा हुआ था, मैंने जैसे आपको बोला है कि मेरे रूम में गर्मी बहुत ही होती है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। बट यस, सो ऐसे ये दो दो है तो आप ये दो को ऐसे अच्छे से मिक्स कर दो। सो डबल प्रोटेक्शन मैंने करने के लिए क्या किया है, एमसील तो है ही, ट्रिपल प्रोटेक्शन सॉरी। सो एक और मैं 3M टेप लेके आऊँ, इधर एक है 3M टेप और उसके ऊपर भी एक और 3M टेप, वो मजबूती ले लेगी। अभी तो ये एमसील उसकी साइज़ लेगा, अपने हेलमेट की साइज़ लेगा। सो मुझे ऐसे चाहिए। सो यस, इधर हम लोग ने ऐसे इसको प्लेस कर दिया है। सो यस गाइस, लग गया है हमारा एमसील प्रॉपर तरीके से। सो इसको सूखने देते हैं, 15 मिनट्स के बाद देखते हैं। सो यस, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 15 मिनट्स मैंने बोला था बट ये हो गए हैं 2 घंटे और ये अभी तक भी इतना सूखा नहीं है। सो यस, अभी तक इतना सूखा नहीं है तो मैं इसको थोड़ा और सूखने देते हैं। बट ये रेडी है ये सेटअप, आप ये सेटअप कर सकते हो 100%। मैंने पूरी मेरी लद्दाख ट्रिप ये वाले हेलमेट पर करी है और ये वाला हेलमेट के ऊपर ये सेटअप लगा है, आप देख सकते हो। और ये सेटअप वाटरप्रूफ भी होता है, बारिश गिरे जो भी गिरे कुछ भी नहीं निकलता। 3M टिप्स में थोड़े बहुत चांसेस है, जब तक वो फ्लैट सरफेस नहीं होता ना तब तक वो यूज़फुल नहीं होता। सो यस, बहुत सारे राइडर्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है कि आप ऐसे ड्यूअल फेस हेलमेट में कैसे करो, सो यस हियर इट इज़, आप ऐसे कर सकते हो। माइक की बात करूँ तो माइक मैंने ये जगह पे आपको अगर दिख रहा होगा तो मैंने इधर लगाया है माइक, एंड इधर से लेके इधर से मैंने ये साइड से ये वायर को बाहर किया है। मेरे पास जो गोप्रो है, आपको गोप्रो का पता है किसमें एडेप्टर चाहिए होगा। सो यस, ये दूसरा गोप्रो है तो ये गोप्रो इधर लग जाएगा ऐसे और ये वायर ये साइड पे चले जाएंगे। सो थोड़ी देर बाद जब ये प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा तो मैं आपको गोप्रो फिट करके भी बता दूंगा कि कितना ड्यूरेबल है, क्या है, और एक बाइक राइड भी कर लेंगे इसके ऊपर, कितने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए, माइक टेस्ट के लिए, सारी चीज़ें अपने करेंगे। सो गाइस, हमारा इधर लगाने का अटेम्प्ट फेल हो गया है। सो यस, हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, यही चीज़ को हम ये साइड थोड़ा नीचे साइड लगाने वाले हैं। सो उससे होगा क्या कि उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इधर हुआ क्या कि जैसे ही मैंने कैमरा लगाया वो पूरा पील ऑफ हो गया। सो यस, हम लोग इधर ट्राई करते हैं, ये एरिया फ्लैट सरफेस भी है
तो इधर चिपकेगा अच्छे से। सो यस गाइस, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारा पहला जो हम लोग ने माउंटिंग किया था वो टूट गया, पूरा निकल गया। सो फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, थोड़ा और ट्राई किया, तो पता चला कि उसको 15 से आधा घंटा नहीं बट एटलीस्ट 5 आवर्स रखना पड़ता है। फिर मुझे याद आया कि यस मैंने लास्ट हेलमेट में भी 5 आवर्स तक वो माउंटिंग रखा था, उसके बाद ही ये चीज़ मैंने फिट करी थी। सो यस, फिर से हम लोग ये माउंटिंग के ऊपर 3 mm टेप लगाते हैं, उसके ऊपर हम लोग माउंटिंग करते हैं, चालू करते हैं। और ये बार थोड़ा अलग माउंटिंग है, ये बार ये वाला माउंटिंग हेलमेट के ये साइड जाएगा और इधर से आएगा। सो एक और चीज़ मैंने नोटिस करी वो थी कि ये जो एक्शन प्रो के साथ जो माउंटिंग आता है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। तो हम लोग ने ये वाला जो हमारा गोप्रो के साथ एक माउंटिंग आया था वो हम लोग ने ले लिया है और वो हम लोग फिट करता है क्योंकि इस मेरे सारे हेलमेट्स में वही माउंटिंग फिट है। यस, सो पहले आपको ऐसे दो दिखेंगे, अभी ये दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। एक और टिप है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये एमसेल बराबर से मिक्स हो चुकी है। तो क्या करना है आपको, आपको देखना है कि इसका कलर ऐसे ब्लैक, अभी भी ब्लैक नहीं हो, अभी भी और मिक्स कर रहा हूँ, बट ऐसा एक ब्लैक कलर हो जाना चाहिए, तब ये एमसेल बराबर से मिक्स हो चुकी है। सो यस, फाइनली हम लोग अच्छे से इसको ये बार बहुत ही अच्छे से माउंट कर दिया है। सो अभी क्या करना है, थोड़ा सा इस ये कप में पानी लेना है और इसको आजू बाजू से अपने जैसे सीमेंटिंग करते हैं ना, सो इससे क्या होगा कि एमसील है सीमेंट जैसा ही काम करता है। तो आप जितना भी पानी दोगे उतना उसको अच्छा, और क्या आप अच्छी सी बॉर्डरिंग कर दोगे तो वो कोई क्रैक्स या कोई दरार नहीं आएगी, जो मेरे लास्ट हेलमेट में आ चुकी है। बाय द वे, हम लोग ने प्रॉपर तरीके से उसको लगा दिया है, आप देख सकते हो, और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से उसको एकदम प्लास्टरिंग भी कर दिया है। सो यस, सो कल हम लोग ने ये माउंटिंग किया था और अभी उसको एग्जिट 12 घंटे हो गए, बहुत ही अच्छे से ये पैक हो गया है, आप देख सकते हो, आपको क्लोजअप से बता देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से पैक हो गया है, अभी इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं हमारे ये माउंटिंग। बिकॉज ये कैमरे की वजह से ये माउंटिंग का वेट एक साइड आ जाता है, तो लेट्स सी इसको लाइक गाइस, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, बट यस ये रहा हमारा हेलमेट का माउंटिंग। और आई थिंक सो कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका वायरिंग का कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, देख लेते एक बार इसमें फिट करके। मैंने ज़्यादा वायर इसलिए बाहर रखा है कि अगर इफ़ हम लोग ये हेलमेट ऐसे फोड़ रहे हैं तो ये कितना वायर लेता है। अभी वो कह रहा है कि ऐसे हेलमेट रखा है तो कभी भी ऐसे गिर सके क्योंकि वेट इधर ज़्यादा है, बट ये हम लोग ये वायरिंग को मोस्टली पूरा निकाल के माइक हम लोग ये साइड रख देंगे क्योंकि माइक अभी हेलमेट के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये साइड पे मोस्टली तो अगर मुझे वायरिंग के बीच में आ ही रहा है, बट कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा हेलमेट, साइड वे से भी आपको दिखा देता हूँ। एंड बहुत ही मजबूत पकड़ है इसकी क्योंकि सॉरी, आपको आवाज़ थोड़ा दब दब क्या होगा, मैं भूल गया था कि मैं कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। सो यस, बहुत ही अच्छी पकड़ है इसकी, अभी भी देखते हैं, टेस्ट करते हैं, बाइक राइडिंग जाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा है, थोड़ी हाई स्पीड पे टेस्ट करते हैं कैसा है क्योंकि हाईवे पे जाने वाले, और फिर ही आपको फाइनल रिव्यू देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स योर ट्रेवल डीसी विथ हिज न्यू व्लॉग। सो यस, ये हेलमेट के अंदर की आवाज़ है, होप्स ओके ये आवाज़ प्रॉपर आ रही हो। बाइक पे ट्राई करते हैं, बाइक पे देखते हैं कि कैमरा एंगल कैसा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सेट करी है, जैसे ये मेरा खुल हो रहा था तो ये भी मैंने सेट किया है। यस हेलो, हाँ सो इट्स माइक टेस्टिंग टाइम। यस, सो मोस्टली ऐसे रखना पड़ेगा हमको, हमारा कैमरा एंगल मोड होना चाहिए। सो कैमरा टेस्टिंग मोड शुरू, होप्स के आवाज़ बढ़िया आ रही होगी कैमरा की। अगर आपको आवाज़ आपको बोलना जा रहा है कि मैं कोई फिल्टर नहीं डालूंगा इसमें, ना ही मैं अडोब प्रीमियर प्रो से इसको वो करूँगा। हेलो, सो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, होप्स के
आवाज़ आ रही होगी। सो थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट किया है, माइक में से अभी भी वॉइस आ रहा है, बट यस वो सेट करके उसका एक अलग व्लॉग बनेगा। बाकी ये जो मेरा बोया का माइक है वो वॉक तो अमेजिंग कर रहा है, खाली विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है। सो यस हम लोग ने मोटो व्लॉगिंग सेटअप हमारा कर दिया, अभी हम लोग वीडियो से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो हियर इट इज़, हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा रेडी है। मैंने थोड़ा मॉड्स अंदर किए हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, बट यस आवाज़ थोड़ी बहुत खरखरी आ रही थी, वो भी अपने ने पूरी सेट कर दी है, वो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल दूँगा वो आवाज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स योर ड्राइवर डीसी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में और नए ब्लॉग में। बाय बाय।